वर्गीकरण पार्ट दो, इस पार्ट का ये थर्ड लेक्चर है, इलेवेंथ हिंदी मीडियम। इस लेक्चर में बात करेंगे मोनेरा की। जैसा कल पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी के लक्षणों के बारे में पढ़ा था। कुछ कंपैरेटिव कैरेक्टर्स थे, उनका अध्ययन किया था, तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया था। अब यहाँ से आगे के सभी लेक्चर में इन सभी का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मोनेरा छोटा सा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं एनसीईआरटी में। मोनेरा सबसे पहला कैरेक्टर, मोनेरा के बारे में, मोनेरा के सभी सदस्य प्रोकैरियोटिक एक कोशी के जीव हैं। ये सभी प्रोकैरियोटिक हैं तथा एक कोशिकीय हैं, सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों में आते हैं ये। इसका बेस्ट एग्जांपल जीवाणु, बैक्टीरिया। जितने भी तरह के सूक्ष्म जीव हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो कवक हो, चाहे शैवाल हो, प्रोटिस्टा के मेंबर हो, जितने भी तरह के सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी में से बैक्टीरिया इकलौते ऐसे हैं जो सर्वव्यापी है, पूरी पृथ्वी पर लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नहीं पाए जाते। तो इनके लिए लिख सकते हैं, इसमें एक तो जीवाणु आते हैं तथा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी जीवाणुओं की तरह प्रोकैरियोटिक है, एक कोशिकीय, लेकिन कुछ भिन्नताएं भी रखते हैं। प्रोकैरियोटिक का लक्षण, जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ते हैं तब पढ़ा जाता है इसको। प्रोकैरियोटिक में एक अच्छा न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड, सुविकसित न्यूक्लियस नहीं मिलता। इनमें जितने भी कोशिकांग हैं झिल्ली युक्त, उनमें से एक भी नहीं होता। सभी झिल्ली कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। तो ये कुछ लक्षण है प्रोकैरियोटिक के। बाकी सभी जो संरचना है वो हमारी कोशिका जैसे मिल जाती है। तो यहाँ पर जीवाणु तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा के मेंबर हैं। जीवाणुओं के बारे में, ये सर्वव्यापी है। कुछ अपवाद है जिन स्थानों पर नहीं मिलते, जैसे ज्वालामुखी की राख, कुएं का पानी, बारिश का पानी, इन स्थानों पर जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु इन स्थानों पर नहीं मिलते, इसके अलावा लगभग सभी स्थानों पर जीवाणु मिलते हैं। अब बात करें इनकी संरचना की। तो जब इनकी संरचना की बात करते हैं तो ये तो इनका आवास हो गया, किस जगह रहते हैं। इनकी संरचना की बात करें, पूरी आंतरिक संरचना की बात नहीं करें, इनके प्रकार की बात करें, जीवाणुओं के प्रकार। तो जब इनके प्रकार की बात करते हैं तो आकृति के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं। पहला कोकाई, दूसरा बेसिलस, तीसरा स्पाइरल तथा चौथा विब्रियो। तो आकृति के आधार पर जीवाणु चार प्रकार के हैं। कोकाई जो गोल होते हैं, अभी एक भी हो सकते हैं, लंबी श्रृंखला में भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं। बेसिलस जो रॉड शेप में होते हैं,
ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और फ्लैजिला युक्त भी, कशाब युक्त भी हो सकते हैं, इन पर कशाब भी हो सकता है। स्पाइरल कुछ इस तरह से मिलेंगे। विब्रियो, विब्रियो कॉमा के आकार के, इनके सिर पर एक फ्लैजिला मिलता है, एक कशाब मिलता है। तो इनकी संरचना के आधार, इनकी आकृति के आधार पर ये कुछ चार प्रकार के होते हैं। आवाज के आधार पर अगर बात करें तो जीवाणु दो प्रकार के होंगे, पहला आर्कोबैक्टीरिया या आर्के जीवाणु, तथा दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया वे हैं जो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में, बड़ी विपरीत परिस्थितियों वाली स्थानों पर पाए जाते हैं, इन्हें आर्किबैक्टीरिया कहते हैं। ये आर्किबैक्टीरिया भी तीन प्रकार के होते हैं, थर्मो एसिडोफिलस हेलोफी तथा मिथेनोजन। थर्मोसिडोफिलस ऐसे जीवाणु जो गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ज्वालामुखी के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ ज्वालामुखी का लावा जिन जलाशयों में गिरता है, जिन स्थानों पर, जिन जल के स्रोतों में गिरता है, वे सभी जल के स्रोत में गर्म पानी होता है और वहाँ पर भी जीवाणु पाए जाते हैं। इसी प्रकार हेलोफी, ये लवणीय क्षेत्र में, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र जहाँ पर किसी प्रकार के अन्य प्राणी नहीं मिलते, उन क्षेत्रों में भी जीवाणु मिल जाते हैं और इन्हें कहते हैं हेलोफी। तो लिख देते हैं यहाँ, थर्मोसिडोफिलस जो गर्म क्षेत्रों में मिलते हैं, अत्यधिक गर्म क्षेत्र जहाँ टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री के आसपास, उससे भी ज़्यादा होता है। हेलोफी जो लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो मिलते हैं जीवाणु, उन्हें हेलोफी कहते हैं। मिथेनोजन ऐसी जगह पर जो मार्शी एरिया में, जो दलदली एरिया में मिलते हैं, दलदली एरिया में मिलने वाले, मार्शी एरिया में मिलने वाले जीवाणु। जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जैसे गाय जो चरते हैं, चरने वाले जो प्राणी हैं, जो मवेशी हैं, उनके शरीर में भी मिथेनोजन जीवाणु पाए जाते हैं। उनके शरीर में जो अमाशय है, जैसा अमाशय हमारे शरीर में, वैसे ही अमाशय उनके पास भी होता है, परंतु उनके अमाशय से पहले एक छोटा भाग और होता है जिसे प्रथम अमाशय या रुमेन भी कहते हैं, रुमेन या प्रथम अमाशय। रुमेन या प्रथम अमाशय में भी जीवाणु पाए जाते हैं, तथा यह जीवाणु मिथेनोजन जीवाणु है जो उस मवेशी के शरीर में रहकर सेल्युलोज का पाचन कर रहे हैं, जो सेल्युलोज, जो लकड़ी या जो डंठल जो खाते हैं घास के मवेशी, उन डंठलों का जो सेल्युलोज है उसका पाचन करने का कार्य ये करते हैं। जब ये जीवाणु कुछ मात्रा में मवेशियों के गोबर के साथ, उनके अपशिष्ट पदार्थ के साथ शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं, तो गोबर में इनकी उपस्थिति के कारण ही उस गोबर से गोबर गैस का निर्माण किया जाता है, और ये संभव सिर्फ मवेशियों के अपशिष्ट से ही है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर ये जीवाणु उपस्थित होते हैं, अलग से किसी भी तरह से जीवाणु को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार यहाँ पर हमने मोनेरा के कुछ चीज़ें पढ़ी है, जैसे मोनेरा के कुछ लक्षण, इसके जीव, इनकी आवास, इनकी आकृति के आधार पर, तथा इनके आर्किबैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया, जो इनके दो प्रकार है आवास के आधार पर। यू बैक्टीरिया की बात, बैक्टीरिया की संरचना की बात, तथा माइकोप्लाज्मा की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।